सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रतिभा चौहान। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रतिभा चौहान व्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होगे। तो मैं भी एकदम से मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त तो नहीं हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ जी आज शिमला। तो घर में तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लगी हुई थी, तो काम भी बहुत था सुबह सुबह। तो उस टाइम मेरे को फ़ोन मतलब कि वीडियो बनाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो अभी मैं बना रही हूँ जी इधर जंगल से और अभी मैं जा रही हूँ। तो अभी मैंने पकड़नी है जी बस, वो आती है 9 बजे के बीच में बस आती है और तब तक मैंने बस पकड़नी है। और अभी मैं आपको टाइम भी बताती हूँ, टाइम हो चुका है जी 8:46। तो अभी क्या इधर देखे जी जंगल में कितना ज़्यादा कांटे ही कांटे हैं, सिर के ऊपर के लिए बज रहे हैं। तो थोड़ी लेट भी हो रही है और मैं जा रही हूँ, मेरे साथ बड़ा गांव तक नानी भी है तो मैं आपको उनसे भी मिलाती हूँ। तो थोड़े आगे से चले हुए हैं और मैं थोड़े पीछे रह चुकी हूँ। तो यहाँ पर रास्ता भी बड़ा घटिया है, घटिया किसको बोलते हैं, गिर भी सकते हैं। तो रास्ता देखे जी नीचे तले ही तले है, तो इधर पेड़ काटा गया है वहाँ पीछे, तो उसकी वजह से नीचे लकड़ियाँ है और साथ साथ है जी इनके लिए हमारे तले बोला जाता है जो ये वाला है। तो भाई नानी ने तो रेस लगाई हुई है क्योंकि उन्होंने भी अभी स्कूल जाना है, तो उन्होंने स्कूल खोलना है नीचे। तो मैं बातें अभी कम और चलती मैं बहुत फास्ट हूँ अभी, नहीं तो अगर मैं बातें ही करती रहूँगी तो पहुँच नहीं पाऊँगी टाइम पर। तो इधर दूर दूर तक नानी दिखाई नहीं दे रहे, अब दिखे वहाँ नीचे। तो हाथ में सामान भी है, एक पैकेट हाथ में है और पीठ में बैग है। तो नानी गई है लॉन्ग रास्ते होके, मैं जाऊंगी शॉर्ट रास्ते होके। तो गाइज यहाँ पे बोलते हैं जी पिंग के पास, तो इस वाले पॉइंट का नाम पिंग है। तो नानी गई इधर वाले रास्ते होके, मैं जाऊंगी इधर वाले रास्ते होके, तो मैं नानी को जल्दी पकड़ दूंगी। तो देखे जी, तो नानी पहुंच चुके हैं जी नीचे। तो इधर वाला रास्ता थोड़ा खराब है, तो इधर मिले जी नानी से। हाय हाय आप सभी को। नानी ने अभी जाना है जी स्कूल, तो नानी को भी लेट हो रही है तो इसीलिए हम जा रहे हैं जी फास्ट चल रहे हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ जी बड़ा गांव बस स्टैंड। तो देखे जी अभी यहाँ पर बस तो नहीं आई है और इधर लोग भी बस का वेट कर रहे हैं और यहाँ पर अभी धूप भी नहीं खिली है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी। इधर मिले जी मेरे दोस्त, एक दोस्त ये है, दूसरा है ये वाला, तो बैठे हुए है। ये है जी सिमेट्री और मौसम आप देख सकते हो, हल्के हल्के बादल भी है और सामने दिख रहा है जी भट्टा को। तो शिमला पहुंचते ही मुझे हो चुके हैं जी बंदर के दर्शन। तो देखे जी अभी एक बंदर तो झूला झूल रहा है, तो दूसरा है जी नीचे, तो अभी यहाँ पे कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है और इन्होंने मेरा रास्ता रोक के रखा हुआ है। तो गाइस मैं भी पहुंच चुकी हूँ जी रूम में, तो अभी खोले जा रहे हैं जी जूते। ऊपर से रूम की हालत देख इतना गंदा लग रहा है, इतना ज़्यादा घटिया लग रहा है, पूछो ही मत। अभी मैं आपको रूम की हालत बताती हूँ क्योंकि ये मैं आप सभी को पता तो है कि रूम बहुत टाइम से बंद था। तो अभी मैं रूम की हालत बताती हूँ, जब रूम बंद रहता है ना इतने टाइम के लिए तो रूम का क्या हाल बन जाता है। तो चलो इधर तो सब कुछ ठीक है, तो इधर की बात की जाए तो अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो देखिए जी सारा का सारा पानी शायद अंदर के लिए आया होगा और साथ साथ इधर धूल भी आई हुई है। तो देखें, तो ये है रूम बंद रखने का नतीजा।
अब हमें सफाई अभियान ही शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें झाड़ू ही उठाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, इसी से काम शुरू करना पड़ेगा। और अभी मैंने खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया है, तो जब तक थोड़ा रूम साफ नहीं हुआ तब तक तो कहाँ खा सकते हैं, खा ही नहीं सकते हैं, मन ही नहीं करता है खाने का, बना भी नहीं सकती हूँ। पहले इधर ढंग से साफ करती हूँ, थोड़ा इधर गैस वगैरह में इधर इधर भी पोचा मार देती हूँ, और उसके बाद बनाई जाएगी मैगी, मैगी के साथ चाय। तो चलो जी, इधर मैंने रूम भी साफ कर दिया है और साथ साथ मैंने इधर की विंडो भी खोल दी है, और मैंने इधर धूप में डाल दिए है जी रजाई और साथ साथ कंबल। तो रजाई और कंबल ये हो रही है जी शाम की तैयारी, अब ताकि बहुत ही मतलब गरम गरम हो जाए, बिस्तर गरम गरम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, और अभी धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है। अब रूम साफ करने के बाद अब बारी आती है जी हमारे, पहले मैं घर से दूध लेके भी आई हुई हूँ, तो इसको मैं पहले सबसे पहले तो बॉयल करती हूँ, और साथ साथ कुछ दालें भी लेके आई हूँ, और इधर मैं थोड़ी सब्जी, प्याज टमाटर ये लेके भी आई हुई हूँ, तो इनको भी अच्छे से रख लेते हैं, और थोड़ा इधर शेल्फ पे भी हम पोछा मार देते हैं, और उसके बाद सबसे पहले तो मैगी खाऊंगी, उसके बाद जाके रेस्ट करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा थक जाते हैं। एक तो देखिए जी भाई ने करी हुई है जी, यहाँ से मेन स्विच बंद करके रखा हुआ है, तो जो ये मेन स्विच है ये बहुत ज्यादा ऊपर है, इतनी मेरी हाइट नहीं है, तो इसके लिए मुझे लेके जाना पड़ेगा अपने साथ बेलन, बेलन बेलन बेलन, इससे हम अभी ऑन करेंगे स्विच को अगर होता है तो। आप देख सकते हो मैं सिर्फ यहाँ तक ही पहुंचती हूँ, नहीं वैसे पहुंच गई हूँ, मेरी हाइट बढ़ गई है या हाथ नहीं पहुंचता, बेलन का ही यूज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं हाथ तो मेरा सिर्फ यहीं तक पहुंचता है और ये तो ऊपर है, तो इससे ही हम हमेशा मैं हमेशा लाइट ऑन करती हूँ यहाँ से। हा, अपने रूम में लाइट आ चुकी है दोस्तों, जल चुकी है अपने रूम में लाइट, ये है अपने बेलन का काम। तो बेलन के साथ साथ रोटियां बनाने के साथ साथ इसका और भी यूज है लाइट ऑन करना, अगर किसी के बहुत ऊपर हो तो इसी का ही यूज करे जैसे मैं करती हूँ। तो अब हम इंडक्शन पे चढ़ाते हैं पानी और साथ साथ फोन लगाते हैं चार्जिंग पर। तो चलो जी, इधर गैस पे तो चढ़ाई हुई है जी मैंने मैगी, तो मैगी बन रही है, और साथ साथ इधर इंडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर बन चुकी है जी चाय। तो चलो जी, इधर मैगी और चाय बन के तैयार हो चुकी है, और साथ साथ इधर बेड पर लगी हुई है जी धूप, तो अभी मैं धूप में बैठ के मैगी और चाय का आनंद लूंगी। तो देखिए जी, सामने पहाड़ी पर हो रहा है जी सनसेट, तो इधर की बात की जाए ऐसा लग रहा है कि रात ही होने वाली है। तो गाइज, मेरे डिनर बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, और आज मैं बना रही हूँ जी आप सभी की फेवरेट सब्जी, तो गेस कर सकते हो आप क्या बना रही हूँ मैं। तो आज बन रहे हैं जी मेरे, मैं बना रही हूँ आज कड़वे करेले, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप सभी को तो पता नहीं है कि नहीं, पर मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को कड़वे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, पर फिर भी मुझे तो है, मैं तो खाऊंगी, आप सब मुझे खाने से नहीं रोक सकते हैं, मैं तो पेट भर भर के खाऊंगी, मैं तो भर भर के खाऊंगी जितना मैं खा सकूं। जितने सुंदर ये देखने में है उतने ज्यादा स्वादिष्ट ये खाने में भी है। तो गाइस, आंख में कोई भी आंसू नहीं लेके आ सकता है सिर्फ एक के सिवा, वो भी प्याज, कसम से रुला के रख लिया है, आंखें नहीं खुल रही, बहुत मतलब कि जलन हो रही है बहुत ज्यादा, मतलब कि इतना सा प्याज काटना भी बड़ा टफ हो रहा है कसम से। यानी को एक तो मैं बहुत टाइम के बाद खाना बना रही हूँ क्योंकि मैं घर में बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती हूँ, तो ये भी मैं बहुत दिनों के बाद कट कर रही हूँ, तो ऐसा हाल होता है। हम इन करेलों को करेंगे जी फ्राई, मतलब कि फ्राई करके इसका जो टेस्ट होता है वो कुछ अलग सा आता है, और उतने ज्यादा कड़वे भी नहीं लगते, अगर तो इनको इसी तरह से बनाए ना तब ज्यादा कड़वा लगता है, इस तरह फ्राई करके नहीं लगता है।
और धुआं ही धुआं हुआ है रूम में। तो अब हम देते हैं जी तड़का। ओ भाई इसमें भी पानी था भाई। अब हम डालते हैं जी इसमें करेलों को भी तल दिया है। और अब देखा मैं, मुझे ये इसी तरह से खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं भी जैसे एक ये है तो मैं टेस्टी टेस्टी क्रंची क्रंची। बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। कड़वापन तो आता है, उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं, पर खाओ अगर अच्छे लगते तो खा लो, अगर नहीं लगते तो मत खाओ। तो गाइस इधर सब्जी बन के भी तैयार हो चुकी है, तो सब्जी की शक्ल पे तो मत जाना, ये कुछ इसी तरह की ही बनती है भुनी हुई। और साथ साथ है जी इसके साथ साथ भटूरे, ये मैं घर से लेके आई हूँ, तो ये दिए जी मेरे के लिए, वैसे दिन को खाने के लिए दिए हुए थे मम्मी ने दो भटूरे, पर मैं इसको अभी खाऊंगी। तो गाइस इधर निकल चुका है जी डिनर। तो आप लोग सोच रहे होगे कि ये डिनर कहाँ से आया, बनाया तो मैंने करेले थे और पहुंच चुके हैं जी यहाँ पर राजमा एंड चावल। तो ये आए हुए हैं जी, प्रणाम दोस्तों, कृति के रूम से। मस्त मस्त आपको न्यू ईयर की बधाइयां हो। बहुत सालों बाद मैं इस व्लॉग में आ रही हूँ। आज हम मैं और प्रतिभा इकट्ठे डिनर कर रहे हैं। आधा डिनर मेरा है, आधा डिनर प्रतिभा का है, क्योंकि प्रतिभा लाई है घर से भटूरे भटूरे भटूरे। ये देखिए दोस्तों भटूरे मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाए, क्योंकि मेरे घर में नहीं बनाते हैं। तो ये टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करेंगे हम। हाँ पूरा बताओ कैसे लगे। शायद पता नहीं होगा, मेरी तबीयत खराब है, मेरे घुटा नहीं जा रहा है। घुटना समझते होगे आप, नहीं समझते तो स्वेलो नहीं कर पा रही हूँ मैं दोस्तों, स्वेलो नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता नहीं गले में क्या दर्द हो गई है, बट चलो मैं टेस्ट करती हूँ। दोस्तों चबाने में भी दर्द है मेरे को, पेशेंस से बने रहिए, जब तक मैं चबाती हूँ तब तक रुके रहिए आप। जो भटूरे है ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, काफी रुखा रुखा सा फ्लेवर है, और स्पेशली करेले के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, क्योंकि करेले वैसे भी मेरे फेवरेट है। और जो ये भटूरे है ये भी अच्छे लग रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे टेस्ट में दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। तो मैंने डिनर पे इनवाइट करा था कृति को, तो हम दोनों का मिक्स खाना है। वाली हालत में कुछ कृति का अपने रूम से लेकर आई है, कुछ मैं मेरा। आधा आधा इन्वेंशन है दोस्तों। अब हम खाते हैं और आप जाइए। तो गाइज इस व्लॉग को करती हूँ जी मैं यहीं पे ही एंड, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाय गाइज।